जय भीम साथियों, आज बहुजन अधिकार यात्रा झरड़े गांव में आई हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है और दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का बनाना चाहती है। ये पार्टी का मुख्य लक्ष्य है और इसीलिए पूरी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। साथियों, मेरा दिल्ली के समस्त बहुजन समाज से ये निवेदन है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, संगठित हो जाइए और राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं देश के अंदर कुछ मनुवादी शक्तियाँ बहुजन समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज को जागरूक होकर राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की विचारधारा से जुड़ना होगा, क्योंकि आज की डेट में भारत के अंदर राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज को संगठित करना चाहती है, उनके हक अधिकार को दिलाना चाहती है और जो आज़ादी से लेकर अब तक बहुजन समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए थे, बहुजन समाज को जो तरक्की मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली है, उनको राष्ट्रीय जनता पार्टी दिलाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन समाज पर कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो सर्वप्रथम आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनता पार्टी उसका काम करती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज जागरूक हो जाए और राष्ट्रीय जनता पार्टी का बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चले और आने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का बनाने में अपना पूर्ण सहयोग समर्थन करे। ऐसी दिल्ली और देश के बहुजन समाज से मेरा निवेदन है कि झरड़े के लोग भी हम लोग जिस क्षेत्र में आए, झरड़े के वासियों ने राष्ट्रीय जनता पार्टी की विचारधारा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और हमें पूर्ण सहयोग समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूं झरड़े क्षेत्र के वासियों का कि आपने राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन की जो पूरी जानकारी ली। साथियों, मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुजन समाज को संगठित करने का रास्ता बताया था और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो रास्ता बताया था, राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबा साहब के उसी पथ पे चल रही है और पूरे बहुजन समाज को संगठित, शिक्षित और संघर्ष के लिए प्रेरित कर रही है, तैयार कर रही है, क्योंकि जब हमारा बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो हमें सत्ता परिवर्तन करने में ज़्यादा विलंब नहीं होगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं देश के बहुजन समाज से और खासकर झरड़े वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन को समझें, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को समझें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उन अधिकारों को लेने के लिए और बाबा साहब द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो पूर्ण तरह से देश में लागू हो, इसको सही तरह से लागू कराने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी का भारत की सत्ता में आना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा दिल्ली के लोगों से सबसे पहले ये निवेदन है कि दिल्ली में हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, दिल्ली में बहुजन समाज की साफ सुथरी सरकार देना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि दिल्ली के लोग बिल्कुल ये कहें कि हाँ भी अगर पार्टी हिंदुस्तान में है तो ये राष्ट्रीय जनता पार्टी है। साथियों, इसका जो नाम है पार्टी का, ये नाम ही काम बता रहा है। तो अगर दिल्ली के लोग बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ समझते हैं, तो अगर इस पार्टी का नाम भी आप लोग सही तरह से समझ लेते हैं कि भाई राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, हम कोई क्षेत्रवाद नहीं चाहते, धर्म बना, हम ये चाहते हैं कि अगर धरती पे मानव हम लोग बने हैं, इंसान बने हैं, तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई क्षेत्रवाद ना हो, उसके साथ किसी तरह का फर्क नहीं होना चाहिए, जो उसके फंडामेंटल राइट है ये उसको मिले, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी की मुहिम है। साथियों, मैं इस देश के जाटों समाज से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जाटों समाज भी हमारे भाई हैं और हम लोग मिलकर इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा रूप देना चाहते हैं। तो साथियों, मेरा देश के जाटों समाज से भी निवेदन है कि जाटों समाज के भाइयों, आप जागृत हो जाइए और राष्ट्रीय जनता पार्टी मिशन का, बाबा साहब की विचारधारा का समर्थन करिए, क्योंकि ये पार्टी वाकई बहुजन समाज को संगठित कर बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो, जो उन्होंने बहुजन समाज के लिए सपना देखा था, अगर आप चाहते हैं कि वह ऐसा भारत बने, ऐसा नया भारत बने, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बने, तो मेरे देश के जाटों समाज के लोगों, आप राष्ट्रीय जनता पार्टी का पूर्ण विश्वास करके साथ दीजिए और मैं ये पूरी आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूती देने के लिए और राष्ट्रीय जनता पार्टी को दिल्ली और देश में सत्ता परिवर्तन करके करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग समर्थन देंगे। ऐसी मेरी जाटों समाज से अनुरोध अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय मूलनिवासी।